जिस गैंगस्टर पर बाबा सिद्दीकी की हत्या की सुपारी देने का आरोप है, जिस गैंगस्टर पर सलमान खान को धमकी देने का आरोप है, जो गैंगस्टर लोगों की सुपारी देता फिरता है, क्षत्रिय कर्णी सेना परिवार ने उसी गैंगस्टर की सुपारी दी है। क्षत्रिय कर्णी सेना परिवार के अध्यक्ष राज सिंह शेखावत ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर ऐलान किया है कि गुजरात के साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर जो भी पुलिस वाला करेगा उसे 1,11,11,111 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इस रिपोर्ट में देखिए। मौत के सौदागर की सबसे बड़ी सुपारी, अंडरवर्ल्ड के नए डॉन का डेथ वारंट, 1,11,11,111 रुपए का पुरस्कार करणी सेना द्वारा प्रदान किया जाए। गोगामेड़ी हत्याकांड के बदले का ऐलान, आदरणीय अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी की हत्या लॉरेंस बिश्नोई द्वारा कराई गई थी। करणी सेना का दुश्मन नंबर वन लॉरेंस की उल्टी गिनती शुरू, लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करो और करोड़पति बन जाओ। जी हाँ, लॉरेंस बिश्नोई का डेथ वारंट निकालते वक्त यही ऐलान किया है करणी सेना ने। गुजरात में क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करने के लिए पुलिस कर्मियों को एक बड़े इनाम की घोषणा की है। उन्होंने खुलेआम सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई के एनकाउंटर के लिए 1,11,11,111 रुपए का इनाम घोषित किया है। उनका आरोप है कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या लॉरेंस बिश्नोई ने करवाई थी, इसलिए लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मी को इतनी बड़ी इनामी राशि दी जाएगी। अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी की हत्या लॉरेंस बिश्नोई द्वारा कराई गई थी। जो पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा उस पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपए का पुरस्कार करणी सेना द्वारा प्रदान किया जाए। इतना ही नहीं, राज शेखावत ने ऐलान किया कि करणी सेना उस पुलिसकर्मी की सुरक्षा का पूरा इंतजाम भी करेगी जो लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा। उन्होंने कहा कि देश के लोगों को डरने की नहीं बल्कि डर को निकाल फेंकने की जरूरत है। राज शेखावत ने यह भी बताया कि करणी सेना इतना बड़ा इनाम लॉरेंस बिश्नोई के एनकाउंटर पर क्यों देना चाहती है। दरअसल करणी सेना ये मानती है कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या लॉरेंस ने ही करवाई थी, इसलिए वो चाहते हैं कि लॉरेंस का एनकाउंटर हो जाए। उनका इनाम का ऐलान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिस सुखदेव गोगामेड़ी की हत्या का बदला लेने के लिए करणी सेना तड़प रही है, सुखदेव उसी करणी सेना के अध्यक्ष थे। 5 दिसंबर 2023 को राजस्थान के जोधपुर में हमलावरों ने उनके घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड से पूरा राजस्थान दहल उठा था। उस वक्त सुखदेव गोगामेड़ी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी। बताया गया था कि वारदात को गैंगस्टर रोहित गुदारा से जुड़े कुछ अज्ञात आरोपियों ने गोगामेड़ी के घर पर ही अंजाम दिया था। आरोपी पहले सुखदेव से उनके घर पर बातचीत करते रहे और फिर अचानक उन दोनों ने सुखदेव पर गोलियां बरसा दी। पूरी वारदात महज 10 मिनट में अंजाम दे दी गई। वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई थी। राजस्थान पुलिस ने हत्या के दोनों आरोपियों को पकड़ने के लिए 72 घंटे की डेडलाइन सेट की थी और उसी डेडलाइन के भीतर पुलिस ने सुखदेव सिंह गोगामेड़ी मर्डर केस के आरोपी दोनों शूटरों आरोपी रोहित राठौर और नितिन फौजी को चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया था। यूं तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग अपने वसूली कारोबार से करोड़ों कमाने का दावा करता है, लेकिन खुद लॉरेंस बिश्नोई भी अच्छे घर से ताल्लुक रखता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके पिता के पास 110 एकड़ जमीन है और लॉरेंस का परिवार उस पर सालाना 35 से 40 लाख रुपए खर्च करता है। एनआईए की एक रिपोर्ट के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दाऊद इब्राहिम गैंग की तर्ज पर पूरे देश में अपना आपराधिक नेटवर्क बढ़ाया। माना जाता है कि लॉरेंस गैंग में इन दिनों 700 से ज्यादा शूटर हैं, जिनमें से 300 शूटर पंजाब में एक्टिव हैं। इन दिनों लॉरेंस बिश्नोई गुजरात के साबरमती जेल में बंद है, इसलिए करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करने के लिए पुलिस वालों को इनाम देने का ऐलान किया है।
महाराष्ट्र के चुनावी माहौल के बीच हलचल बढ़ गई है, क्योंकि सवाल उठ रहा है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई राजनीति में आएगा। दरअसल उत्तर भारतीय विकास सेना नाम की इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील शुक्ला ने लॉरेंस बिश्नोई को बाकायदा चिट्ठी लिखी है और उसको महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने के लिए कहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। क्या महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेगा लॉरेंस? उत्तर भारतीय विकास सेना ने दिया ऑफर, हमें आप में शहीद भगत सिंह दिखते हैं। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में नया ट्विस्ट आ चुका है। दरअसल एक राजनीतिक दल ने गैंगस्टर लॉरेंस को चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है। उत्तर भारतीय विकास सेना नाम के इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील शुक्ला ने लॉरेंस बिश्नोई को बाकायदा चिट्ठी लिखी। और उसको महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने का अनुरोध भी किया है। इस पार्टी ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तुलना शहीद आजम सरदार भगत सिंह से की है। पार्टी ने अपने बयान में कहा है कि हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी उन्हें जीत दिलाने के लिए कोशिश करेंगे। उन्होंने लॉरेंस को लिखे लेटर में आगे लिखा है कि हमें गर्व है कि आप पंजाब में जन्मे उत्तर भारतीय हैं। हम उत्तर भारतीय विकास सेना के नाम से एक राष्ट्रीय और महाराष्ट्र राज्य पंजीकृत एक राजनीतिक दल है जो देश में उत्तर भारतीयों के अधिकारों के लिए काम करते हैं। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या में भी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आ चुका है। मुंबई पुलिस भी इसको लेकर जांच कर रही है। लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल में बंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, राजस्थान। और ये बड़ी खबर झुंझुनू से है। बबलू चौधरी के आवास पर कार्यकर्ताओं की बैठक, झुंझुनू में कमल खिलाने के लिए त्याग कर रहे हैं, ये कहा बबलू चौधरी ने। कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कार्यकर्ताओं के मान सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी। सुबह कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा बबलू चौधरी को लेकर जयपुर गए थे। जयपुर में सीएम से वार्ता के बाद बबलू चौधरी ने चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय लिया था। तो बबलू चौधरी जो अब तक बागी के तौर पर झुंझुनू से जिनका नाम सामने आ रहा था, जो निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर चुके थे, उनके सुर अब बदल गए हैं। उनका कहना है कि वो कमल के लिए त्याग कर रहे हैं और सुमित कोदारा उन्हें अपने साथ लेकर जयपुर गए थे। वहां सीएम से मुलाकात हुई और फिर वापस लौटे और वापस लौटने के बाद अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से कहा कि अब वो चुनाव नहीं लड़ने के लिए राजी हैं और जिस कैंडिडेट को बीजेपी ने टिकट दिया है उसके समर्थन में वो अब खड़े हैं। मैं इस टिकट को, इस एमएलए पद को, इसको हमारे प्रधानमंत्री जी की और जो मुख्यमंत्री जी की जो भावना है, उन भावनाओं की कदर करते हुए मैंने उनको ये बात कह के कि शाम को हमारे सारे कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग रखी जाएगी और उसमें आपके बताए हुए प्रस्ताव के हम निर्णय लेंगे। बबलू पार्टी में लाने की कहाँ बात, पार्टी में ही हैं, पार्टी के सिपाही हैं और पार्टी के लिए हमेशा संघर्ष किया है। और झुंझुनू शहर और पूरे कस्बे में, जिले में और शेखावटी जिले में भाई बबलू ने अपने प्रयास से पार्टी को मजबूत किया है। उपचुनाव को लेकर बीजेपी काफी उत्साहित है, तो उधर अपने बागियों को भी मनाने में जुटी पार्टी को एक एक कर कामयाबी मिलती जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने दावा किया उनकी पार्टी में कोई बगावत नहीं है और सब एकजुट होकर चुनाव में कांग्रेस को करारी शिकस्त देंगे। बगावत की खबर को मदन राठौड़ ने किया दरकिनार, एकजुट होकर कांग्रेस को देंगे करारी हार। हमारी पार्टी एकजुट रहेगी और संगठित रूप से हम चुनाव लड़ेंगे। कोई बगावत कहीं भी किसी भी प्रकार की नहीं है, कहीं भी बगावत नहीं है। बबलू जी भी पार्टी के साथ है। अनुभव बोलता है ये हम नहीं, तस्वीरें कर रही हैं।
राजधानी जयपुर में जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ मीडिया कर्मियों को आश्वस्त कर रहे थे कि बगावत का बिगुल बजाने वाले मना लिए जाएंगे और पार्टी पूरी तरह एकजुट होकर उपचुनाव लड़ेगी, तब झुंझुनू में बीजेपी नेता बबलू चौधरी बगावत की हुंकार भर रहे थे। कोई भी पार्टी या कोई भी समीक्षा करने वाले या पार्टी को गलत तरीके से फीड करने वाले ये देखना चाहते हैं कि इन बेटियों में क्या निकलेगा, तो ये हम बेटियों में दिखाएंगे 13 तारीख को। बीजेपी बबलू चौधरी की हुंकार को दरकिनार करने का जोखिम नहीं उठाना चाहती थी, क्योंकि झुंझुनू में जब जब नेतृत्व ने जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को इग्नोर किया तब तक पार्टी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। 2013 से 2023 के नतीजे बताते हैं कि बागियों ने बीजेपी के खेल को बिगाड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ये बगावत भाजपा के लिए पूर्व में भी भारी पड़ी है, क्योंकि यहाँ पर सुमित्रा सिंह ने 2013 में बगावत की शुरुआत की थी, उसके बाद 2018 में बबलू चौधरी ने बगावत की थी, तो वहीं 2023 के विधानसभा आम चुनाव में राजेंद्र बाबू ने बगावती तेवर दिखाते हुए भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ा था। उपचुनाव में 6 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा के बाद बीजेपी में बगावत और मान मनोहार का दौर लगातार जारी है, जिसमें पार्टी को कामयाबी भी मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से गांव, गरीब, शोषित, वंचित सबको साथ लेके और सभी समाजों को साथ लेके चल के इस चुनाव में दोनों विधानसभा सीट में विजय प्राप्त करेगी। हमारी जो प्रॉब्लम है वो सरकार भी नहीं है, पार्टी भी नहीं है, बगावत भी नहीं है। हमारी प्रॉब्लम या हमारी यूएसपी हमारा ब्लड है, हमारे ब्लड में जो बहता है हम उसको बदल नहीं सकते। वो कभी वक्त जरूरत नीला, हरा, पीला नहीं हो सकता। वो हमारा जो रक्त है वो हमारे धर्म के साथ जुड़ा हुआ है और हमें अपने देश धर्म की सुरक्षा भाजपा के साथ ही दिखाई दे। पार्टी को 3 सीटों पर कामयाबी मिल चुकी है। पार्टी ने सलुम्बर, रामगढ़ और झुंझुनू सीट पर नाराज नेताओं को मना लिया। सलुम्बर से नरेंद्र मीणा, रामगढ़ से जय आहूजा और झुंझुनू से बबलू चौधरी ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया है। देवली उनियारा से भी पार्टी को राहत भरी खबर का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, राजस्थान। राजधानी जयपुर के बासबतपुरा इमामबाड़े में बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य के जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मस्जिद में उनके जाने से मुस्लिम समाज के लोगों में नाराजगी है और उन्होंने सीएम को पत्र लिखकर विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आखिर ये पूरा मामला क्या है जिस पर यह बवाल मचा है, इस रिपोर्ट में देखिए। बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य एक बार फिर से चर्चा में है और इस बार उन्होंने नया विवाद खड़ा कर दिया है जिसकी वजह से बड़ा हंगामा हुआ है। दरअसल बाल मुकुंद बास बदनपुरा के शिया इमामगाह मस्जिद में घुस गए थे, जहां उन्होंने हंगामा करते हुए कहा कि ये देवस्थान है। घटना के वक्त ही मस्जिद में नमाज होने वाली थी, ऐसे में बड़ी संख्या में नमाजी मस्जिद में उपस्थित थे। विधायक की ओर से बवाल करने पर लोगों ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस के आने से पहले ही विधायक बाबा बाल मुकुंद वहां से चले गए। राजधानी जयपुर में शिया इमामबाड़ा के अंदर जैसे ही वक्फ बोर्ड का जो साइन लगाया गया यहाँ पर, उस साइन के लगने के बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बड़ा बवाल हो गया। यहाँ के विधायक बाल मुकुंदाचार्य यहाँ पहुँच गए, जिनके पहुँचने से और शिया इमामबाड़े में अंदर जाने से लोग बाग काफ़ी नाराज़ हैं और यहाँ पर उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने का बड़ा मामला एक तरह से खड़ा होता जा रहा है। लगातार विधायक की इस घटना के बाद में लोग उग्र हैं और काफ़ी नाराज हैं, मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर इमामबाड़े में अंदर घुस करके चप्पल के साथ में जो चीज़ की उसके लिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। फिलहाल लोगों के मुताबिक शिया इमामगाह मस्जिद में नमाज होने वाली थी, इतने में हवा महल से बीजेपी विधायक बाबा बाल मुकुंद अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और हंगामा करने लगे और उन्होंने दावा किया कि इस मस्जिद का निर्माण मंदिर और देवस्थान की जमीन पर किया गया है। उनके इस दावे की वजह से मस्जिद में काफी देर तक ड्रामा चला। इस दौरान शिया समाज के लोगों ने उन्हें मस्जिद और जमीन के दस्तावेज दिखाए। डीसी में नोट में बात कर रही है, क्या भेज दोगे कागज?
फुरनू ने जाने के बाद वहाँ जो शहनशीन है जहाँ ताज़िया और अलम रखा हुआ है उसको पर्दे को हटाने के बाद कह रहे हैं यहाँ से मूर्ति कहाँ गई, मंदिर कहाँ गया। तो मसला ये है, ये तकरीबन 300 साल पुराना है और 300 साल से यहाँ आज़ादारी हो रही है, और अगर ये मंदिर होता तो इसके ही साथ यहाँ मस्जिद भी है। तो हमने ये बोर्ड लगाया था और वो भी वक्फ बोर्ड की इजाज़त से, और ये वक्फ है और ये गजट है और इसकी कॉपी हमारे पास है, बिना उसकी इजाज़त के हमने नहीं लगाया। वहीं मौके पर मौजूद महिलाओं ने बताया कि विधायक इबादत गाह में जूते चप्पल पहनकर घुस गए और महिलाओं से बदसलूकी की। अचानक आए आके और चप्पल लेके सीधे अंदर आ गए, इसका जोर से गेट खोला और है ना ये कहा कि है ना कि ये क्या कर रखा है यहाँ पर, इस पे कलर क्यों कर दिया, यहाँ पे तो मूर्तियाँ रखी थी, और सीधे चप्पल लेके वो अंदर चले गए। वहाँ लड़की नमाज पढ़ रही थी और है ना उसको कहने लग गए चल निकल यहाँ से, वो लड़की घबरा के अंदर गई तो वहाँ पर वो गेट बजाने लग गए ज़ोर ज़ोर से खोल खोल, और है ना मौलाना से बहुत ज़्यादा बदतमीजी करी हमारे पेश इमाम से, बच्चे घबरा गए सारे। वही इस मामले पर कांग्रेस विधायक रफीक खान ने सवाल उठाए हैं। रफीक खान ने कहा कि बालमुकुंदाचार्य आस्था का सम्मान नहीं करते, अदब एहतराम नहीं करना, चप्पल जूते ले जाना धार्मिक जगह के ऊपर, ये किसी भी धर्म के प्रति शोभा नहीं देता, और खास तौर से जब ऐसा आदमी खुद धार्मिक विचारों का हो तो दूसरे धर्म का अनादरण करने का नजरिया किसी भी धार्मिक विचार वाले आदमी का नहीं हो सकता, ऐसा मेरा मानना है। विवादों से बालमुकुंद का पुराना नाता है, पहले भी वो कई मामलों को लेकर हंगामा कर चुके हैं, लेकिन इस बार उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि इस घटना से नाराज मुस्लिम समाज के लोगों ने सीएम भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। अतिक्रमण से बात उठती है, बोर्ड लगने से बात उठती है, और एक इमाम बारगाह में अंदर आकर के चीजें यहाँ तक पहुंचती हैं। अब देखना ये होगा कि प्रशासन किस तरह से इस पूरे मामले को लेता है, जो सिस्टम है वो किस तरह से लेता है, वक्फ बोर्ड इस पूरे मामले में क्या एक्शन लेता है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज 18 के लिए जयपुर से। उपचुनाव का संग्राम, कांग्रेस की सूची का काउंटडाउन, कुछ देर में कांग्रेस जारी कर सकती है उम्मीदवारों की सूची। दौसा में कांग्रेस आलाकमान ने डीसी बैरवा को फोन पर टिकट फाइनल होने की जानकारी दे दी है। डीसी बैरवा के आवास पर समर्थकों की भीड़ लग गई, कांग्रेस नेता डीसी बैरवा के आवास पर डीजे की धुन पर नाचते गाते पहुंचे। डीसी बैरवा टिकट मिलने की बधाइयां ले रहे हैं, हालांकि अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई ऑफिशियल सूची जारी नहीं हुई है। आशीष शर्मा दौसा से हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, सूची जारी नहीं हुई है, कहीं ये जल्दबाजी तो नहीं जश्न मनाने की? बिल्कुल, पिछले 3 दिन से डीसी बैरवा है उनका नाम चल रहा था और अभी भी ऑफिशियल सूची जारी नहीं हुई है, लेकिन बताया जा रहा है कि गोविंद सिंह डोटासरा का उनके पास फोन आया है। उनका दावा है कि गोविंद सिंह डोटासरा ने फोन किया है और फोन करने के बाद अब उनके समर्थकों में जश्न का माहौल है। उनके घर पर डीजे बजाया जा रहा है, वहां पर नाच गान हो रहा है और लोग बधाइयां दे रहे हैं, और खुद जो डीसी बैरवा है वो बधाइयां स्वीकार भी कर रहे हैं। डीसी बैरवा की बात करें तो दौसा के पूर्व प्रधान रहे हैं और वर्तमान में उनकी पत्नी लवाण पंचायत समिति क्षेत्र से प्रधान है, ऐसे में कांग्रेस के नेता हैं और एससी वर्ग से आते हैं, और उनका सामना यदि उनको टिकट मिलता है तो जगमोहन मीणा जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनसे मुकाबला होगा। हालांकि ऑफिशियल सूची अभी कांग्रेस ने जारी नहीं की है, लेकिन जिस तरह मुरारी लाल मीणा सांसद से हमारी बात चल रही है लगातार, तो उनका भी यही कहना है कि डीसी बैरवा का लगभग फाइनल है। वहीं जो डीसी बैरवा का दावा किया जा रहा है कि गोविंद सिंह डोटासरा का फोन आया है और फोन पर उन्हें तैयारी करने और टिकट फाइनल होने की जानकारी दी है, जिसके बाद से आशीष क्या आपकी बात डीसी बैरवा से हो पाई? क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि जब बीजेपी की लिस्ट जारी हुई थी तो बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार थे जो जिनके पास ये सूचना थी कि टिकट उन्हें मिल रही है और वो लगभग अपनी तैयारी कर चुके थे टिकट मिलने की, लेकिन जैसे सूची जारी हुई कई ऐसे नाम सामने आए जिनको टिकट नहीं मिली, तो ऐसे में क्या बैरवा ने इस बात की पुष्टि की है कि उनके पास में इसका फोन आया है कि टिकट आपको मिल रही है? बिल्कुल, डीसी बैरवा से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि फोन आया है, और क्योंकि उस समय जब अभी करीब 1 घंटे पहले की ये पूरा घटनाक्रम है जब डीसी बैरवा अपने आवास के बाहर बैठे हुए थे, कुछ समर्थक बैठे हुए थे, तभी फोन आया और उसके बाद में ही जश्न का माहौल हो गया और वहां पर लगातार समर्थकों की भीड़ एकत्रित हो गई। हालांकि अब इंतजार किया जा रहा है ऑफिशियल सूची का, जैसे ही ऑफिशियल सूची आएगी तो ये बात क्लियर हो जाएगी कि आखिर टिकट किसे मिला है, लेकिन ये दावा किया जा रहा है कि दौसा से डीसी बैरवा का टिकट फाइनल हुआ है, और जो क्योंकि सांसद मुरारी
मुरारी लाल मीणा बनने के बाद ये सीट खाली हुई थी, तो मुरारी लाल मीणा का भी यही दावा है कि डीसी बैरवा का टिकट लगभग फाइनल है, लेकिन ऑफिशियल सूची कुछ देर में जारी। आशीष, इस सूची का इंतजार सभी 6 विधानसभा के सीटों के जो प्रत्याशी हैं वो इस समय कर रहे हैं, तो क्या बैरवा ने आपको ये जानकारी भी दी आशीष कि ये जो सूची है ये आज ही जारी होगी, कुछ देर में जारी होगी, क्योंकि उनके पास फोन आया, उन्हें जानकारी होगी इस बात की कि सूची कब जारी हो रही है? बिल्कुल, क्योंकि डीसी बैरवा से भी हमारी बात हुई है और साथ ही कांग्रेस के जो अन्य नेता हैं, जो मुरारी लाल मीणा हैं, इन सभी से हमारी बात चल रही है। उनका कहना है कि आज देर रात लिस्ट फाइनल जारी हो सकती है और या फिर कल सुबह भी जारी हो सकती है, लेकिन अधिक संभावना यही है कि रात के समय ये जो लिस्ट है वो जारी होगी, क्योंकि कुछ देर पहले अन्य जो राज्यों के जो उपचुनाव है वहाँ की एक लिस्ट कांग्रेस की जारी हुई थी, जिसमें पंजाब और वेस्ट बंगाल की जो सीटें थी कुछ उनका नाम जारी हुआ था, लेकिन राजस्थान की सीटों का भी नाम जो सूची है वो जारी नहीं हुई है, लेकिन ऑफिशियल सूची। जी आशीष, नजर बनाए रखिएगा, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आशीष शर्मा संवाददाता दौसा जानकारी दे रहे थे। दौसा में डीसी बैरवा को कांग्रेस की तरफ से कॉल आया है उनकी टिकट फाइनल होने का, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जब समर्थक उनके घर पर नाचते गाते पहुंचे जैसे उन्हें जानकारी मिली कि उनकी टिकट फाइनल कर दी गई है। हालांकि अभी भी आधिकारिक सूची आना बाकी है, अभी कांग्रेस जैसा कि जानकारी हमारे संवाददाता दे रहे हैं आज अब से कुछ ही देर के अंदर कांग्रेस आधिकारिक सूची जारी कर सकती है, और उसी सूची के अंदर जाकर ये कंफर्म होगा कि डीसी बैरवा के पास जो फोन आया है उनको टिकट मिली है। फिलहाल उस सूची का इंतजार। मिला।